आज आपके साथ शेयर करेंगे मटन पाया सूप की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं, और आप देखें कि इसकी इतनी बढ़िया सी ग्रेवी है और देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो ये रेसिपी बनाने में तो बहुत आसान है ही है, और आप यकीन कीजिए कि इतनी ज़बरदस्त और इतनी टेस्टी ये बनी है ना कि सबको ही बेहद पसंद आएगी। तो बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत सॉफ्ट ये बनते हैं, देखें कितनी आसानी से हाथों से ये टूट जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 6 बकरी के पाए लिए हैं यहाँ पर, जिसको हमने यहाँ पर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा चमचा ऑयल ले लिया है, इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 सिनेमन स्टिक के टुकड़े और 4 से 5 ही डालेंगे तेज़पात के पत्ते, क्योंकि जो पाए होते हैं उसमें थोड़ा अलग सा फ्लेवर होता है, तो उससे क्या होता है कि इस मसाले की खुशबू उसमें आ जाती है, तो उसमें जो हुमक होती है वो नहीं आती है। डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने यहाँ पर रफली स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि प्याज गुलाबी नहीं हुआ। प्याज को लगातार फैलाते रहेंगे ताकि हर तरह से इक्वली फ्राई हो जाए। प्याज को यहाँ पर फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए, और आप देख सकते हैं कि प्याज जो है यहाँ पर गुलाबी रंग का हो गया है, यानी कि बहुत सॉफ्ट हो गया है। जब इसे हम गलाएंगे तो ये बहुत जल्दी से इसमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता, और इसमें डाल देंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर। जैसे ही हल्दी और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भून जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम ये पाए। इसको डालकर हमें इसमें अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर हमें करीब लगेंगे इसमें 6 से 7 मिनट तक, हमें इसी तरीके से भूनना है। चाहे तो आप गैस रखने मीडियम कर लें ताकि अच्छी तरह से इनकी स्मेल जो है वो निकल जाएगी। अगर आप भूनेंगे नहीं तो इसमें से स्मेल हल्की हल्की आपको महसूस होगी। हालांकि हमने तेज़पात के पत्ते और क्रीम स्टी डाली है, उससे काफ़ी जो हद तक इसकी जो स्मेल है वो कम हो जाती है, लेकिन आप इसको भूनेंगे तो पूरे तरीके से निकल जाएगी। देखिए यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हमने भून लिया है, और बहुत ही अच्छे से भून लिया है इसको हमने। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑयल है हल्का हल्का रिलीज होने लगा है, तो इस तरीके से आपको भूनना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हमें आगे भी डालना है, तो यहाँ पर हम कम ही नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो यहाँ पर हमें करीब इसमें 2 बड़े कप पानी डालना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। पानी यहाँ पर आपको इसका इसमें इतना डालना है कि ये इसमें डूब जाए, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी जो पायों के लेवल में। अब यहाँ पर हम इसमें विसिल लगा देंगे। आप जब भी पाए उबालने के लिए बर्तन लें तो हैवी तरह का लें, यानी कि हैवी बॉटम लें। अब यहाँ पर इसे हमने गैस पर रख दिया है। यहाँ पर जो है पहला जो इसमें विसिल है, पहले हम इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे, और जब इसमें एक विसिल आ जाएगी तो उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, और इसे 30 मिनट तक हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसमें विसिल लगाएंगे। अगर आपका प्रेशर वाला कुकर है तो आप यहाँ पर 20 मिनट तक दम दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 30 मिनट बाद इसको हम बंद कर देंगे, और उसके बाद इसको इसके कुकर को ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर देखिए कुकर का जो यहाँ पर हमने इसे पका लिया है, और यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो निकल चुका है। अब इसे हम खोल लेंगे। तो देखिए पानी हमने काफ़ी सारा डाला था, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक पानी इसमें कम हो गया है। अब जो यहाँ पर ये इसमें जो तेज़पात के पत्ते और जो इसमें हमने दालचीनी के टुकड़े डाले थे वो इसमें से हम निकाल देंगे, और इसका सूप अलग कर लेंगे, और ये इसकी जो बोन है वो अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पतीली रख दी है, इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चमचा ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है 1 टेबल स्पून जीरा, और यहाँ पर 4 से 5 लौंग लिए हैं, 3 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, और यहाँ पर 10 से 12 लिए हमने काली मिर्च के दाने, ये डाल देंगे। मसाले को यहाँ पर कड़काने देंगे, और उसके बाद डाल देंगे 2 बड़े प्याज, जिसको यहाँ पर हमने चॉप कर लिया है। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन नहीं हो। लेकिन जैसे ही प्याज यहाँ पर गोल्डन हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको यहाँ पर हम भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि लहसुन अदरक अच्छे से इसका कच्चापन निकल जाए और ये भून जाए। लहसुन अदरक भून जाने के बाद इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे हम 3 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप यहाँ पर रखें। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें हम गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे भुना कुटा जीरा। हल्दी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हल्दी हम पहले ही शामिल कर चुके हैं। यहाँ पर मसालों को मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता और इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पर हम नमक भी डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने 1/2 टीस्पून नमक और डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। 1/2 टीस्पून यहाँ पर डाल देंगे हम कसूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को, और जब मसाले में से ऑयल सेपरेट होने लगा, अच्छे से भून जाएगा, तो कुछ देर के लिए गैस का फ्लेम हल्का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डालने वाले हैं
प्याज के जो जायका है, जो कि हम प्याज ने इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा डाला है, उसको उसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए 3 टेबल स्पून दही लिए जिसको यहाँ पर हमने फेंट लिया है, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे और इसके अच्छे से भुनाई कर लेंगे जब तक कि बहुत अच्छी तरह से ये भुन नहीं जाता। मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, दही जो है देखें बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है, कलर बहुत बढ़िया हो गया है मसाले का। तो अब यहाँ पर हमने जो पाया अलग करके रखे थे वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर मसाले के साथ भुनेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है देखें, यहाँ पर बिल्कुल पतीली से लगने लगा है। तो इस तरीके से मसाले को आपको भूनना है, 4 से 5 मिनट तक इसको भूनना है क्योंकि इसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यखनी है उसको हमने बढ़ा लिया था कुकर को, जो हमने खंगाल कर उसका पानी भी ले लिया था, इससे यखनी थोड़ी बढ़ गई है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल वेस्ट नहीं। अब यहाँ पर इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर करीब 1.5 कप पानी डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर पानी रखें, ग्रेवी बनाएं जो कि आप कैसी चाहिए। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी में देखें यहाँ पर उबाल आने लगे हैं, तो इसको यहाँ पर हम ढक देंगे क्योंकि इसमें उबाल जो है हम ढक कर लगाएंगे और इसको यहाँ पर ढक कर इसको पकाएंगे 15 मिनट और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 15 मिनट बाद इसको यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे दम पर ही रखा रहने देंगे, बंद गैस पर इसे 15 मिनट रखा रहने देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। 15 मिनट हमने इसको गैस पर पकाया था मीडियम फ्लेम पर और उसके बाद 15 मिनट के लिए हमने इसे बंद गैस पर ही छोड़ दिया था प्रेशर में, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार हो जाते हैं। तो देखें यहाँ पर कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसमें और इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें कि कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पाया सूप बनता है और बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, जो बहुत ही ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट को भी फेल कर देने वाली है। आप अपने घर में जब इतना अच्छा खाना बनाएंगे तो हर कोई आपके जो खाने हैं उसका बिल्कुल फैन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस रेसिपी को बनाने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने दुआओं में हमेशा याद रखें, हमसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।